विजिलेंस विभाग की टीम ने लेबर विभाग के एक अन्वेषक एवं पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेंद्र कुमार को एक महिला से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। विजिलेंस विभाग को चुरी गांव की कविता की शादी के लिए उसकी बुआ ने लेबर विभाग में कन्यादान योजना के तहत 1,00,000 दिए जाने की मांग की थी। इसी राशि को पास करने के नाम के सुरेंद्र कुमार 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इधर जिसकी शिकायत मिलने पर विजिलेंस की निरीक्षक कनुप्रिया ने अपनी टीम के साथ बस अड्डे के पीछे स्थित अटल सेवा केंद्र के पास से रंगे हाथों से काबू कर लिया। आपको बता दें कि जहां सरकार गरीब जनता के लिए कई योजनाएं बना उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारी उनकी योजनाओं से मिलने वाले लाभ को गरीब जनता तक पहुंचाने में कई कठिनाइयां पैदा कर रिश्वत मांग योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला करनाल के श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुरेंद्र नाम का अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा डीसी रेट पे इसी विभाग में कार्यरत था। चुनरी गांव के रहने वाले एक मजदूर परिवार में कन्या निशा की शादी थी, जिसने सरकार की योजना मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि 1,00,000 रुपए के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ था। उसी कन्यादान की राशि को पास करवाने हेतु आरोपी सुरेंद्र ने 50,000 रुपए की मांग की, बाद में 40,000 देने की सहमति बनी, जिसकी शिकायत निशा ने विजिलेंस विभाग करनाल में की। आज विजिलेंस की टीम ने सुरेंद्र को करनाल के पुराने बस अड्डे के पास से अटल सेवा केंद्र के पास 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आज कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। विजिलेंस अधीक्षक श्याम लाल ने बताया कि शिकायत के अनुसार कार्यवाही करते हुए विजिलेंस टीम ने रेड कर आरोपी सुरेंद्र को रंगे हाथों 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सुरेंद्र पहले श्रम विभाग में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर था, अब दोबारा सहायक लेबर अधिकारी के पद पर तैनात था। सर, ये लेबर डिपार्टमेंट से है जो लड़कियों को कन्यादान मिलता है उनकी कॉपियों से, जो जैसे गाँव में लेडीज होती है मजदूर करती है, उनकी कापियों पे कन्यादान मिलता है 1,00,000 रुपया। ठीक है सर, इन्होंने सर ने सुरेंद्र कुमार फुलिया ने मेरे से 50,000 रुपये की मांग की है, और अगर मैं उनको पैसे नहीं देती हूँ 50,000 रुपये, तो वो मेरे केस को वापस करके और रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने कितने पैसे में? तो इन्होंने मेरे ने रिकॉर्डिंग की है सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करती हूँ फ़ोन में। कितने पैसे आज दिए थे? तो इन्होंने मैंने इनसे गुजारिश किया है कि 50,000 से कम करें मेरे पीछे, तो इन्होंने मेरे 40,000 रुपये तक इन्होंने मेरे से कहा कि 40,000 रुपये दे दें, और मैंने इनको फ़ोन करके बस स्टैंड अटल सेवा केंद्र है जो बैक साइड में वहाँ पे बुलाया, और उनको अपने हाथों से मैंने पीछे दिए 40,000 रुपये। आपकी शिकायत कहाँ दी थी? सर, मैंने शिकायत यहीं पर दी है। हाँ जी सर, मेरा नाम कविता है, मैं गाँव चुरनी से रहने वाली हूँ। कविता चुन्नी गांव की है, उसकी बुआ की लड़की की शादी थी, जिसके लिए AWO सुरेंद्र कुमार ने 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग करी, जो कन्यादान स्कीम योजना के सरकार की योजना है, जिसमें 1,00,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है, जिस पर उसने एक शिकायत लिखी हमारे पेज की, जिस पर इंस्पेक्टर कानूपुरिया को रिपोर्ट किया, टीम का गठन करके उपायुक्त महोदय से मंजूरी लेकर और बी डी पी ओ साहब की ड्यूटी में से नियुक्त करवा कर रेड करी, जहाँ पर 40,000 की नकद राशि के साथ AWO सुरेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कितने हज़ार रिश्वत मांगी थी इसने? इसने 50,000 मांगी थी, 40,000 में इनकी सेटलमेंट होगी और 40,000 के रुपये नकद देते हुए बरामद कर। पहले किस पोस्ट पे था, यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी? पर्चा दर्ज कर रहे हैं, कर दिया गया इसके खिलाफ, और इसको इसकी रीज्वाइनिंग है। ये DWO थे, सोशल विभाग में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे, जो अब ये दोबारा सहायक लेबर अधिकारी एक से। तो ये थी इनकी 2019 स्कीम के तहत ये पैसे थे कन्यादान जो सरकार देती है, 1,00,000 रुपए का अनुदान सरकार देती है कन्या, जिसमें 40,000 रुपए की रिश्वत। रिटायर होने के बाद इन्होंने रीजॉइनिंग की तो 40,000 रुपए की रिश्वत, तो पहले कुछ जांच होगी कि पहले भी कोई मामला ऐसा? अभी पहले की हम देखेंगे, इस बात का जो भी है कोई शिकायत आएगी उसकी जांच करेंगे।
फिलहाल मैंने इस पर पर्चा दर्ज कर दिया है और जांच जारी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।